में इसलिए बहुत ज़्यादा थकावट नहीं हुई क्योंकि बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। होटल्स हैं, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो इस विलेज में आके एक नाइट स्पेंड भी कर सकते हैं। लोग होने बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग गाइज, नया दिन शुरू हो चुका है और मैं ये ट्रैबज़ोन की हसीन वादियों को पीछे छोड़ते हुए इस्तांबुल की खूबसूरत सिटी की तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैं ट्रैबज़ोन में था और पूरा दिन ड्राइव करने के बाद अराउंड 1100 किलोमीटर, जिसको कि मेरे को पूरा करने में 12 से 13 घंटे लग गए, मैं पहुँच गया इस्तांबुल। लेकिन मैं निकल गया इस्तांबुल सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे होटल के बिल्कुल पास में ही ट्रैम का स्टेशन था। इस्तांबुल सिटी में जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। आप गूगल मैप की हेल्प लें, उसमें टाइप करें कि आपको कहां से कहां जाना है और ईजिली आपको पता लगेगा कि क्या रूट है, कौन से नंबर का बस आपको पकड़ना है, कौन सा ट्रैम आपको पकड़ना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास आ जाएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आ गया था इस्तांबुल और अभी मैं आया हूँ हाया सूफिया और ब्लू मॉस्क के पास। देखता हूँ कितना का इसका एंट्री फीस वगैरह, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसकी, और ट्रैम है, मेट्रो है, बसेस है, शिप्स भी हैं। तो कल मैं थोड़ा घूमा था और सब चीज़ यूज़ की, और ये सब यूज़ करने के लिए आपको एक इस्तांबुल कार्ड लेना पड़ता है, जो कि हर मेट्रो स्टेशन या ट्रेन स्टेशन पे उसका मशीन लगा हुआ, वेंडिंग मशीन, और 10 लीरा का आता है वो कार्ड। उसके अलावा जो कॉस्टिंग है ट्रैवल करने की, वो अराउंड 2 लीरा से लेके 6 लीरा तक ऐसे ही फेयर है, इनके अलग अलग हैं सब रूट्स के फेयर। जो मशीन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। वैसे तो ये मेरे पीछे है मशीन उसकी इस्तांबुल कार्ड लेने की, आपको एक बार दिखा देता हूँ पास से। ये है इस्तांबुल कार्ड लेने की मशीन, इससे आप कार्ड भी ले सकते हैं, रिचार्ज भी कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पे लैंग्वेज का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें तो सब कुछ इंग्लिश में आएगा, तो ईजी रहेगा। और यहाँ से आप कार्ड रख रिचार्ज कर सकते हैं, यहाँ पे करेंसी डाल के, और यहाँ पे कार्ड आपका आ जाएगा। और ये मेरे पीछे है हाया सूफिया और इस तरफ है ब्लू मॉस्क। तो अभी प्रेयर का टाइम है तो पहले मैं हाया सूफिया में जाऊंगा, उसके बाद ब्लू मॉस्क देखूंगा। काफ़ी कम लोग हैं यहाँ पे, नॉर्मली जो मैं वीडियोस देख रहा था उनमें काफ़ी लोग होते थे, बिकॉज़ अभी लॉकडाउन है, सिर्फ टूरिस्ट को अलाउ कर रहे हैं, तो सिर्फ टूरिस्ट ही हैं, लोकल्स नहीं हैं यहाँ पर बिल्कुल भी। तो गाइज, लेडीज़ के लिए हेड कवर करना मैंडेटरी है अंदर, तो अगर आपके साथ कोई लेडी है तो स्काफ लेके आए, अदरवाइज़ यहाँ पे पीछे स्काफ मिल जाता है। 5 लीरा लिया उसने स्काफ के लिए, एक टेम्प्रेरी डिस्पोजेबल टाइप स्काफ है, तो यहाँ तो लेके आए या फिर यहाँ से लेके यूज़ करके उसको डिप। हाया सूफिया की खूबसूरती देखते ही बनती है, ये अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कैमरा इस खूबसूरती को कैप्चर कर सकता है। अगर आपको इस खूबसूरती का फील लेना है तो आपको खुद ही आके यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसको अंदर से काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है, चारों तरफ लाइट्स लगी हुई हैं, ग्राउंड पर पूरा कारपेट बिछा हुआ है और वॉल्स पर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। सो आया सूफिया के अंदर से हुआ है मैं, काफ़ी अच्छा है अंदर, खूबसूरत है काफ़ी अंदर से,
और कोई ऐसा फीस नहीं है अंदर जाने की, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और काफ़ी शांति थी अंदर, मे बी लॉकडाउन के कारण लोग कम थे शायद इसलिए शांति थी, बट काफ़ी पीसफुल था अंदर। और जो वॉल्स थी बहुत ही अच्छी, उस पर पेंटिंग्स बनी हुई थी और अंदर डेकोरेशन भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। सो गाइस, आया सूफिया जो है ना, अभी तो एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया उसको। पहले कभी ये एक चर्च हुआ करती थी, बाद में इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया और अभी ये म्यूजियम है। बट अभी भी काफ़ी लोग अंदर जो है वो प्रेयर कर रहे थे। ये जो है ये एक्टिव मॉस्क नहीं है फिलहाल, ये एज अ म्यूजियम सर्व हो रहा है। और आया सूफिया के बाद मैं चल पड़ा ब्लू मॉस्क की तरफ। इन दोनों के बीच में एक बहुत खूबसूरत सा फाउंटेन है और चारों तरफ गार्डन है, जहाँ पे आप बैठ के कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। ब्लू मॉस्क के अंदर आ गया मैं, और यहाँ पे तो अभी थोड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ऊपर जो डोम है वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और अंदर भी आप देख सकते हैं चारों तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसका जो डोम है ना वो ब्लू कलर का है, तो इसलिए इसको ब्लू मॉस्क बोलते हैं, और ये एक्टिव मॉस्क है। आया सूफिया और ब्लू मॉस्क के पास में ही काफ़ी सारे रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा आया सूफिया का और ब्लू मॉस्क का, और मैं इसे 100% रेकमेंड करता हूँ। रेस्टोरेंट थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लोकेशन के चलते, बट स्टिल यहाँ पे बैठ के कुछ खाना वर्थ है, बिकॉज यहाँ से बहुत ही अच्छा और बहुत क्लियर आया सूफिया और ब्लू मॉस्क का व्यू मिलता है। सो गाइस, आया सूफिया देख लिया, ब्लू मॉस्क भी देख लिया, और ये बगल में ही साइड में कुछ रेस्टोरेंट हैं, रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स, तो वहाँ पे लंच भी कर लिया। थोड़े से एक्सपेंसिव हैं बट व्यू बहुत ही अच्छा है वहाँ से, आराम से बैठो, व्यू का एंजॉय करो और खाना भी खाओ साथ में।